ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो ट्रेन में 1500 से ज्यादा यात्री एक गंभीर हादसे का शिकार हो गए। रेलवे के इस सफर में किसी मंजर हावड़ा से चेन्नई तक की थी तो किसी का सफर बेंगलुरु से हावड़ा तक का था। लोग खुश थे, शाम का वक्त था, कोई नाश्ता कर रहा था, बच्चे कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खा रहे थे। कुछ लोग रात के खाने की प्लानिंग कर रहे थे। 1500 लोगों को अंदेशा भी नहीं था कि जिन दो ट्रेनों में वो यात्रा कर रहे हैं वो उनकी अंतिम यात्रा बनने वाली है। हिसाब से कि कई घंटों बाद भी सवाल बरकरार है लेकिन उनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। सवाल है कि आखिर 288 लोगों की यात्रा को अंतिम यात्रा बनाने की वजह क्या थी। सबसे पहले इस हादसे की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। बता दें कि 2 जून के शुक्रवार के दिन भारत के बड़े रेलवे स्टेशन में से एक हावड़ा रेलवे स्टेशन से दोपहर 3:20 पर हावड़ा से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस रवाना होती है। इससे करीब 5.5 घंटे पहले साइबर सिटी के नाम से मशहूर कर्नाटक के बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से चलने वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपर एक्सप्रेस 10:35 पर निकलती है। दोनों तरफ से चली ट्रेन स्पीड पकड़ती है। यात्री भीतर आराम से अपनी यात्रा पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। अचानक ओडिशा के बालासोर स्टेशन से थोड़ा आगे बहानगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन के पास शुक्रवार शाम 7 बजे 3 ट्रेन सबसे बड़े हादसे का शिकार होती है। हादसा इतना गंभीर था कि दूर दूर तक डिब्बे ताश के पत्ते के बिखरे हुए दिखे। ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आया है। मौत का भूकंप ऐसा कि जिसने 3 ट्रेनों के डिब्बों को कागज की तरह मोड़ कर इधर उधर फेंक दिया हो। मौत का वो तूफान जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगी मालगाड़ी में टक्कर के उसके ऊपर चढ़ गई। एक झटके में जो मुसाफिर थे वो मृतक बन गए। जिन यात्रियों को हंसते हुए ट्रेन के डिब्बों से निकलना था उन्हें ट्रेन के डिब्बों से काट कर निकाला गया।